क्या आदिल के साथ शादी नहीं करेगी राखी सावंत? जी हाँ, अचानक ये सवाल क्यों उठ रहा है इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। आप तो जानते हैं कि हाल फिलहाल में राखी सावंत अपने बॉयफ्रेंड आदिल की वजह से काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में हैं, चर्चाओं में हैं और वो लगातार अपने बॉयफ्रेंड के साथ हर जगह स्पॉट भी होती है, चाहे वो कोई फंक्शन हो, अवार्ड फंक्शन हो, कोई पार्टी हो या फिर वो नॉर्मली जिम वगैरह कहीं भी जाना हो। लेकिन शादी ना करना, यहाँ पर सवाल उठता है क्योंकि राखी सावंत काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड नज़र आ रही हैं, लगातार शादी को लेकर बात भी करती नज़र आती हैं क्योंकि वो चाहती हैं कि जैसे भी हो जल्द से जल्द वो आदिल के साथ शादी के बंधन में बंध जाए। लेकिन अगर इसी बारे में आदिल से सवाल किए जाते हैं तो वो कहते हैं कि अभी हमें एक दूसरे को जानने की और ज़रूरत है। लेकिन अब ऐसे में सवाल यहाँ पर एक और बात यह आ रही है कि एक दफ़ा राखी ने शादी को लेकर बात कही थी, वो चर्चा में है। दरअसल आपको बता दूं कि कॉफ़ी विद करण के दूसरे सीज़न में एक एपिसोड में राखी सावंत आई थी और इस दौरान शादी को लेकर जब राखी सावंत से सवाल किया गया तो वो इमोशनल तक हो गई थी। उन्होंने कहा था कि मुझे शादी पर यकीन नहीं है क्योंकि मेरे माता पिता की शादी इतनी खास नहीं थी। मेरे पिता ने मेरी माँ को छोड़ दिया, हमें छोड़ दिया जब मैं 11 साल की थी। मेरी पढ़ाई तक रुक गई और मुझे नहीं लगता कि खुश रहने के लिए शादी करने की ज़रूरत है। जी हाँ, उन्होंने कहा था कि खुश रहने के लिए मुझे किसी और आदमी की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले भी खुश रह सकती हूँ और मैं शादी नहीं करूँगी। ये सब कहते हुए राखी सावंत काफ़ी इमोशनल हो गई थी। वेल, ये तो काफ़ी सालों पुरानी बात है। अब यहाँ पर ये देखने वाली बात होगी कि राखी अपनी पुरानी वाली बात पर अडिग होती है या फिर जल्द ही वो शादी के बंधन में बनती नज़र आएगी। आपकी इस पर क्या राय है, देखने वाली बात होगी। और इसी तरह से हर एक अपडेट को जानने के लिए चैनल के साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।